हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीपी रेटिंग एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्या होता है जीपी रेटिंग का एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका पासिंग परसेंटेज क्या होता है, तो चलो जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जीपी रेटिंग का एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें रिटर्न एग्ज़ाम 40 मार्क्स का, ओरल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको पासिंग के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए और हर एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अब जानते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। रिटर्न एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होता है, जो सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें 20 मार्क्स के दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जनरल शिपिंग नॉलेज 20 मार्क्स का और मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज 20 मार्क्स का होता है। ये एग्ज़ाम एक शॉर्ट आंसर और सिंगल वर्ड आंसर टाइप एग्ज़ाम होता है, या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप आंसर आपको देना होता है, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स 24 होते हैं। तो अब जानते हैं इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको 5 प्रिकॉशन वाइल एंटरिंग द इनक्लोज प्लेस, टाइप ऑफ इमरजेंसी इन इंजन रूम, ड्यूटी ऑफ इंजन रूम क्रू, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द मशीनरीज इन वर्कशॉप, टाइप्स ऑफ रोप्स, कार्गो हैंडलिंग प्रिकॉशंस, व्हाट आर द केमिकल यूज ऑन बोर्ड, एंकर वॉच ड्यूटीज, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको सिंगल वर्ड या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप में देने होते हैं। और ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो अब जानते हैं इसके ओरल एग्ज़ाम के बारे में। ओरल एग्ज़ाम एक एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो कि डीजी शिपिंग और एमएमडी के द्वारा आपके कॉलेज में ओरल एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि मोस्टली क्वेश्चन आपको आपके ट्रेनिंग के आधार पर पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल शिप नॉलेज और मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स बनाने के लिए कहा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ वॉल, इंजन कंपोनेंट, वेरियस मार्किंग एंड सिंबल्स और फ्लैग्स आपको पहचानने के लिए दिए जाएंगे। आपको किसी फ्लैंज के लिए पैकिंग बनाने के लिए बोला जाएगा और कौन से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको रीडिंग लेने को कहा जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स।